पटना में युवा कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं पर जनहित के मुद्दों पर निकाले गए शांतिपूर्ण रैली में बर्बरतापूर्वक पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में किशनगंज ओबीसी जिला कांग्रेस द्वारा शंभू यादव की अध्यक्षता में प्रतिरोध किया गया है, जिसका नेतृत्व किशनगंज जिला कांग्रेस अध्यक्ष इमाम अली चिंटू ने किया है। इस अवसर पर दर्जनों कांग्रेसजनों ने किशनगंज के सुभाषपल्ली चौक में प्रधानमंत्री मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रोष व्याप्त किया। इस मौके पर मुख्य रूप से मौजूद रहे युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष मोहम्मद आजाद साहिल ने नीतीश कुमार को नौजवान विरोधी सरकार बताते हुए यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष किशनगंज युवा अध्यक्ष सहित 80 से अधिक कार्यकर्ताओं के घायल होने पर सरकार की निंदा की है। मौजूद रहे किशनगंज कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष अरुण कुमार शाह, महिला प्रदेश महासचिव किशनगंज कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष सफी अहमद, पूर्व युवा कांग्रेस बिहार प्रदेश महासचिव सरफराज खान, महिला जिला उपाध्यक्ष इला देवी, किशनगंज कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष तौसीफ अंजार, युवा कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष अतुल कुमार शाह, राजद जिला महासचिव शहनवाज हैदर, अल्पसंख्यक जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष, युवा कांग्रेस जिला महासचिव शुभम दास आदि मौजूद रहे। कांग्रेस जिला अध्यक्ष मोहम्मद सफी अहमद ने बिहार सरकार को होश में रहने की नसीहत देते हुए युवा कांग्रेस किशनगंज युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष मोहम्मद आजाद साहिल के पैर में आई चोट का जल्द स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने कहा कि बिहार का नौजवान अब अपने को पहचान लिया। इस दौरान युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष मोहम्मद आजाद साहिल ने एनडीए सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि हम कांग्रेस के लोग ऐसे कायराना हरकतें कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे।